इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में चल जाओ। तीसरे T20 मैच टीम इंडिया आपका नाम तो कर लियो, लेकिन इस मैच के बाद में टीम इंडिया की जीत से ज्यादा हार्दिक पांड्या के बारे में चर्चा चल रही है। हार्दिक पांड्या जिस तरीके से मैच फिनिश करो, विशेष सब हार्दिक पांड्या की आलोचना कर रहे हैं। तो चलो आज बात करते हैं कि आखिरकार एक पीछे कारण क्यों कि हार्दिक पांड्या एक शॉट खेलो और तिलक वर्मा ने 50 रन बनाने का भी मौका खून दिया। तो चलो वीडियो शुरू करा, तो वीडियो पूरा जरूर देखियो और चैनल ने सब्सक्राइब भी करके जाओ। इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में 5 मैच की T20 सीरीज का अब तक 3 मुकाबला हुआ। इन 3 मैचों में से पहला 2 मैच वेस्ट इंडीज की टीम आपको नाम कराया और तीसरा मैच टीम इंडिया आपको नाम कर लियो और अब यह T20 सीरीज 2-1 पर आ टिक गई। तीसरे मैच के बारे में बात करा तो तीसरे मैच में वेस्ट इंडीज की टीम पहला खेल की 159 रन बनाया और जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत कुछ ठीक कुंडली, शुभम गिल और ईशान किशन दोनों ही सस्ता आउट होगा, लेकिन बाद में सूर्य कुमार यादव जो कि 44 बॉल में 83 रन बनाया, तो सूर्य कुमार यादव की भूमिका इस मैच में बहुत ही बड़ी रही। सूर्य कुमार यादव इस मैच में जीत के करीब रह गए और बाकी जो बच्चों काम हो वो तिलक वर्मा कर दियो। तिलक वर्मा इस मैच में 37 बॉल में 49 रन की पारी खेली और तिलक वर्मा इस मैच में नहीं बल्कि जब से तिलक वर्मा डेब्यू करे है तब से तिलक वर्मा तीनों T20 मैच में बहुत जोर की पारी खेली है, लेकिन लास्ट में जब 14 बॉल पर 2 रन चाहिए तब तिलक वर्मा 49 रन पर बैटिंग कर रहे हो और उस टाइम पर हार्दिक पांड्या भी 14 रन बनाया, तो हार्दिक पांड्या तिलक वर्मा ने सिंगल नहीं देखी जो छक्को मारे और मैच ने फिनिश कर दियो। हार्दिक पांड्या के छक्को मारने के पीछे एक ही सोच है क्योंकि हार्दिक पांड्या सोच रहे हो कि तिलक वर्मा नॉट आउट होकर वापस जावे। मैच के लास्ट बॉल से पहले यह बात स्टंप माइक में भी कैद हुई, हार्दिक पांड्या तिलक वर्मा ने बोल रहे कि यू मैच फिनिश करना बहुत जरूरी है, मैच में अगर नॉट आउट रहोगे तो बहुत चौखा होगा। तो हार्दिक पांड्या तिलक वर्मा ने नॉट आउट रखने खातर खुद छक्को मारे, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या भी टाइम पे एक सिंगल लेके तिलक वर्मा ने स्ट्राइक देते तो हो सको कि तिलक वर्मा को अर्धशतक पूरा हो जाता और तिलक वर्मा नॉट आउट भी रह जाते। लेकिन सबने हार्दिक पांड्या की ये हरकत के बाद में MS धोनी की याद आ गई, जब MS धोनी विराट कोहली ने मैच फिनिश करने के लिए खुद डॉट गेंद खेली और विराट कोहली ने मैच फिनिश करने को मौका दियो, लेकिन MS धोनी का जाए कप्तान तो कोई हो नहीं सका दोबारा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो चौखा लगी हो तो वीडियो लाइक करियो और चैनल भी सब्सक्राइब करके जाओ।